हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सुचित्रा क्षेत्री स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, शुरुआत होती है सुबह सुबह, ये बज रहे हैं 6:30। हम लोग योगा करने जाते हैं तो वहाँ पर देखिए ये नदी, हमारे यहाँ से नदी बहती है। देखिए वहाँ पर गुज्जर लोग रहते हैं, उनकी भैंसें वगैरह है वहाँ पर। तो जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा नदी आती है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह का ये नज़ारा कैप्चर कर लिया जाए फ़ोन में। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है और काफ़ी अच्छी नदी आ रखी है, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और जब तेज़ बारिश होती है तो ये नदी और भी ज़्यादा आ जाती है। कड़ी पत्ता ले लूँ सुबह सुबह, पता है ये खाना चाहिए। हाँ है, कली लो ये ना, कड़ी पत्ते पर देख ले, मरेंगे दोनों। नहीं, धो के खाएंगे ना घर में। खा ले, अरे धूल मिट्टी होगा, धूल मिट्टी होगा ये, मतलब अच्छा होता है कड़ी पत्ता ना। मतलब सुबह जैसे खा लो ये, शुगर और बीपी, बालों के लिए भी अच्छा होता है। दादी भी खाते हैं। तो हम योगा करने गए थे, योगा करके आ रहे हैं सुबह की फ्रेश हवा में। दादी गया था हमारे साथ। जिमी, लियो, क्या कर रही है वहाँ? चल अंदर। तो गाइस, 2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद आज बारिश नहीं हो रही है, सुबह से नहीं हुई है, लेकिन बादल अभी भी लगे हुए हैं आसमान में, आप देख सकते हैं। तो बारिश अभी रुकी नहीं है, मौसम साफ नहीं हुआ है, अभी भी बारिश मुझे लगता है कि होगी। आप देख सकते हैं आसमान में बहुत घने बादल छाए हुए हैं और शाम होते होते मुझे लग रहा है कि बारिश हो ही जाएगी। पूछी, तू क्या कर रहा है यहाँ? ओ, मेरे किचन गार्डन में भी देखिए घास ही घास हो रही है। भाग गई। ए इधर आ। तो गाइज, योगा से आने के बाद मैंने यहाँ पर एक एलोवेरा कट किया था, उसकी एक लीफ, ताकि मैं अपने बालों में लगा सकूं। तो एक एलोवेरा का प्लांट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, एक कड़ी पत्ता का प्लांट और एक एलोवेरा का प्लांट। तो कड़ी पत्ता, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको कि डेली हम सुबह सुबह हमें कम से कम 5-6 पत्ते जो है वो डेली हमें खा लेने चाहिए खाली पेट। थोड़ा बालों के लिए भी वो अच्छा होता है और भी काफ़ी सारी जो परेशानियाँ होती हैं, बीपी वगैरह, शुगर, उनमें भी वो अच्छा होता है। तो इस तरीके से अगर हम आयुर्वेदिक चीज़ों का यूज़ करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में तो वो हमें बहुत अच्छा, मतलब बेनिफिट्स देते हैं, अगर हम केमिकल फ्री चीज़ों का यूज़ करते हैं तो। और ये एलोवेरा देखिए मैंने कट कर लिया, इसको अच्छे से मैंने धो लिया है, इसमें से जो येलो कलर का निकलता है उसको हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। और अब मैं इसको अपने बालों में लगाऊंगी। आप इसको अपने फेस पे भी, स्किन पे भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ये मॉइस्चराइज़र का काम करता है और एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो मैं इसको अपने बालों में लगा रही हूँ। तो कभी कभी हमें हफ्ते में एक आध बार अपने बालों में ये एलोवेरा अपने बालों में ज़रूर लगाना चाहिए, हमारे बालों को ये नरिश करता है और भी काफ़ी सारे इसके मतलब बेनिफिट्स होते हैं। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, देखिए कि साइड साइड से हमें इसके जो कांटे वाला पार्ट है उसको कट कर देना है और बीच में इस तरीके से हमें 2 पार्ट में इसको बांट लेना है। देखिए मैंने इसको कट कर लिया है 2 पार्ट में और इसको इस तरीके से आप अपने नाखून से, थोड़ा सा अपने नेल से इस तरीके से करके, इसका जो जेल होता है ना, अगर आप इस ऐसे करेंगे तो इसका जेल निकल जाएगा। और उसके बाद इस देखिए आप इस तरीके से अपने बालों का पार्टीशन कर करके बीच में ऐसे पूरे अपने स्कैल्प में लगा लीजिए।
तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं ये एक दिन में आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। आप इनका रेगुलर यूज़ करते रहिए, इनको अपने डेली के रूटीन में इनको शामिल कीजिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म में इनका जो असर है वो नज़र आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक दो बार हमने लगाया और हमारे बालों पे इसका बहुत अच्छा फ़र्क हो गया, ऐसा नहीं है। आप इसको रेगुलर यूज़ कीजिए तो आप के काफ़ी अच्छे बाल हो जाएंगे। अभी मेरे ना काफ़ी बाल रेनी सीज़न की वजह से काफ़ी बाल मेरे हेयर फॉल हो रहा है मेरा, तो हेयर फॉल में जो एलोवेरा होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स मेरे पास देखिए आज ये मैं बनाने वाली हूँ एक सुंदर सा प्लांटर, ये वाइट टोन फेस पाउडर है मेरे पास, तो काफ़ी सारी लेडीज़ इसको यूज़ करती होंगी आई होप। तो मैं इसका प्लांटर बनाने के लिए मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। इसका जो ढक्कन है वो मैंने हटा दिया है और जहाँ से पाउडर निकलता है वो इसका ड्रेनेज होल हो गया है, तो ड्रेनेज होल भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से हमें इसको कट कर देना है क्योंकि यहाँ से हमें मिट्टी भर के इसमें हमें प्लांट लगाने हैं, तो यहाँ से हमें इसको कट कर लेना है। तो कैंची से ये नहीं कट हो रहा था तो मैं इसको गैस में चाकू गर्म करके मैं इसको कट कर लूँगी। और इसके जो ये स्टिकर लगे हुए हैं इनको भी हमें हटा लेना है, तो देखिए बहुत आसानी से ये जो स्टिकर है वो हट रहा है, तो दोनों साइड के जो स्टिकर है वो मैंने हटा लिए हैं। वैसे तो एक ही साइड में मैंने पेंट किया था, तो मतलब क्योंकि फ्रंट साइड में ही हमें इसको लगाना है तो पीछे की साइड का ना भी निकालें और वहाँ पर ना भी पेंट करें तो चलेगा, आप आगे आगे इसके फ्रंट में पेंट कर लीजिएगा क्योंकि आगे वाला ही हमें मतलब सामने रखना है, पीछे का हमें क्योंकि मैं इसको हैंग करूँगी तो पीछे का तो दिखने वाला नहीं है, तो आगे आगे ही इसमें आप पेंट कर लीजिए। और पेंट करने के लिए कलर करने के लिए देखिए मैंने यूज़ किया है इसमें फैब्रिक कलर, और येलो कलर का फैब्रिक कलर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बनाने वाली हूँ एक फेस, तो फेस बनाने के लिए येलो कलर जो बेस में होता है वो येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे आप ये क्योंकि प्लेन ही है पिंक कलर का लाइट कलर है तो आप सीधा इसमें ब्लैक कलर से डायरेक्ट फेस बना सकते हैं, अगर आपके पास कलर नहीं है तो जो परमानेंट मार्कर होते हैं आप उन्हीं का यूज़ करके डायरेक्ट इस पर फेस बना सकते हैं, और अगर कलर है आपके पास तो आप येलो कलर कर लीजिए, तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ तो उससे भी काफ़ी अच्छा जो है आपका फेस बन जाएगा। तो क्योंकि काफ़ी ब्राइट कलर इसका देखिए येलो कलर का काफ़ी ब्राइट कलर ये दिख रहा है, तो इस तरीके से आप देखिए दो तीन कोट इसमें कर लीजिए अगर आपको मतलब जितना आपको सेटिस्फैक्ट्री हो जाते हैं आप अपने कलर से तो आप दो कोट भी कर सकते हैं, तीन कोट भी कर सकते हैं, और अगर सही आ रहा है तो आप एक कोट में ही आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कलर कर लिया है और बीच में देखिए स्टिकर लगा हुआ था ना, तो वहाँ पर जो पेंट है वो अच्छे से चढ़ा नहीं है, तो लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसमें जो है फेस बना रही हूँ, मैं सुंदर सा फेस बना रही हूँ इसमें। और अगर फेस का आइडिया अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप गूगल में इमोजी फेस करके आप सर्च कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे फेसेस आपको मिल जाएंगे, उसमें आप अपना आइडिया भी लगा सकते हैं और मतलब आइडिया ले सकते हैं, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर मैंने किया है। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया था और उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर इसकी जो है मैंने इमोजी में जो जीभ निकली हुई होती है ना मैंने वो भी बना दी है, तो उससे ये जो रेड कलर इसमें ऐड हुआ है ना वाइट मतलब ये येलो में जो रेड कलर ऐड हुआ है उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो उसके बाद भी देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड कर दिया है, इसमें मैंने इसका बो बना दिया है, नीचे नीचे खाली लग रहा था तो मैंने देखिए इस तरीके का बो बना दिया है रेड कलर से, क्योंकि रेड और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है। और नीचे से देखिए बटन भी बना दिए ताकि उसका जो मतलब नीचे से उसकी वो ड्रेस लग रही है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और फिनिशिंग में मैंने देखिए इसमें जो बीच बीच में से येलो कलर इसका फेस से निकला हुआ था ना वो भी मैंने बाद में ठीक कर दिया है, और ऊपर से मैं इसको कट कर दूँगी गैस में चाकू गर्म करके, आसानी से ये आपका कट हो जाएगा। तो इसको पहले मैं सूखने दूँगी। तो देखिए तैयार हो गया है एक फेस पाउडर के डब्बे से इतना। तो देखिए गाइज मैंने ये बना लिया है और फिनिशिंग पूरी कर दी है मैंने, देखिए बीच में पूरा येलो कलर, और ये देखिए मैंने इसकी ये बो बनाई है, और यहाँ पे ये मैंने इसके बटन बना दिए हैं, जीभ निकल रखी है बाहर। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये प्लांटर, और एक
खाली पाउडर के डब्बे से देखिए कितना सुंदर प्लांटर बना हुआ है। और अभी मैं इसमें प्लांट नहीं लगा रही हूँ, मैं बाद में लगाऊंगी, तो जब मैं लगा लूँगी तब आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी। बहुत सुंदर लगने वाला है ये प्लांटर लगने के बाद, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं गाइस। अरे यार गिर गया ये। तो बस फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी आपको। और अगर मेरा ये छोटा सा प्लांटर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को देख सके। तो बस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।